मध्य प्रदेश में सियासी संकट के बीच कोरोना, अब कोरोना से गरमाई प्रदेश की सियासत, सरकार बचाने में जुटी कांग्रेस, भगवान के दर पर नेता, कहीं कोरोना की चर्चा तो कहीं सियासी महाभारत, क्या गिरेगी या बचेगी कमलनाथ सरकार। बीजेपी का दावा है कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ चुकी है और अब सरकार को गिरने से कोई नहीं बचा सकता। डर लग रहा है इनको और डरोना के कारण से बढ़ाने की बात सोचते हो। बार बार कहते हैं कि उनके पास बहुमत है, उनकी सरकार 5 साल चलेगी। क्या क्यों रहे हो, करो दिखाओ। अगर है भ्रम की स्थिति बनी है, अध्यक्ष जी को इस्तीफे आए विधानसभा के, माननीय महामहिम को अगर इस्तीफे आए तो उसकी स्थिति को स्पष्ट करो, या तो उन विधायकों को ले आओ या सत्य को आहूत कर लो, सबूत का दूध पानी का पानी हो जाएगा, फ्लोर टेस्ट कर लो। वही सरकार का कहना है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, उसके पास पर्याप्त बहुमत है। किसने मना किया? भारतीय जनता पार्टी के लोग अब ये समझ चुके हैं कि जिन विधायकों को ले जाया गया है वो इस्तीफा देने तैयार नहीं है। कल का भी समय दिया था, कल बेंगलोर एयरपोर्ट तक आए, बेंगलोर एयरपोर्ट से वापस चले गए, आज का भी समय दिया है, आज भी नहीं आए। मैं समझता हूँ यही स्थिति चलती रहेगी। लगभग 10 विधायक ऐसे हैं जो इस्तीफा देने तैयार नहीं है, 10 से अधिक भी संख्या हो सकती है। तो वही अब इस राजनीतिक संकट के बीच कोरोना ने एंट्री मार दी है। आज पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा है तो वहीं इसकी दस्तक मध्य प्रदेश विधानसभा तक पहुंच गई है। सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना को लेकर सत्र आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं तो बीजेपी कांग्रेस सरकार को सत्र से भागने का आरोप लगा रही है। ये राजनीतिक घटनाक्रम तो बाद में भी हो सकता है, जो आपकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं इनको तो आप बाद में भी पूर्ति कर सकते हैं। जो सत्ता लोलुपता है इसको थोड़ी देर के तो आप रोक के रखिए। जब पूरा विश्व परेशान हो रहा है, जो हमसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ इमरजेंसी घोषित की जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने, मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ से अधिक जनता की एक बार भी चिंता नहीं की। ऐसा है कि पूरे देश में अनेक जगह, केरल में विधानसभा स्थगित कर दी गई, छत्तीसगढ़ में स्थगित कर दी गई, महाराष्ट्र की भी जानकारी के साथ कल या परसों से होने वाली है, हरियाणा में हो चुकी है। तो अगर इस तरह का खतरा स्वास्थ्य विभाग के हमारे अधिकारी बन रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार की स्थिति बनती है, बन सकती है, तो पहले लोगों की जान माल की सुरक्षा जरूरी है, बाद में दूसरे काम। अगर ऐसा कुछ होगा तो शीघ्र ही निर्णय स्थिति के अनुसार लिया जाएगा। सरकार बचाने के लिए अब नेता भगवान के दर पर भी पहुँच रहे हैं। मंत्री पीसी शर्मा ने नलखेड़ा स्थित माँ बगलामुखी के दर्शन किए, वहां पूजन अर्चना करने के बाद उन्होंने कहा कमलनाथ सरकार पूरे 5 साल चलेगी। तो वहीं शर्मा का कहना है बेंगलुरु में मौजूद विधायक कांग्रेस के साथ हैं, उनके बीच लड़ाई है, वे भाजपा में नहीं जाएंगे। इधर स्पीकर ने विधायकों को प्रस्तुत होने के लिए नोटिस जारी किया है। 14 मार्च को 6 विधायक और बाकी विधायकों को 15 मार्च तक का वक्त दिया गया। इस सियासी संकट के बीच फ्लोर पर किसका जोर चलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का मुद्दा है पल पल सियासी हलचल। बीते एक हफ्ते से ज्यादा हो गया और लगातार निगाह इस बात पर टिकी है कि अब कौन सी ऐसी हलचल होगी जिस पर निगाह बनाकर रखना होगा। लेकिन नजर हटी कि दुर्घटना घटी, कहीं से कुछ खबरें आती, लेकिन जहां तक बात है उन विधायकों की जो इस वक्त बेंगलुरु में है, कल से इंतजार चल रहा है कि वो यहां आ जाएंगे। आज भी विधानसभा अध्यक्ष ये कहकर बैठे रहे कि हुजूर आ जाइए, लेकिन नहीं आए। और हर पल ये खबरें आती रही कि हो सकता है देर शाम तक कुछ विधायक आए, पर अब खबर यही है कि नहीं आएंगे। और थोड़ी देर पहले ये बात भी साफ हो गई कि जब वो नहीं आएंगे तो विधानसभा अध्यक्ष क्या कर सकते हैं। लेकिन सियासी हलचल ने मध्य प्रदेश में अस्थिरता का वातावरण बनाया है। सरकार कहती है हम पूरी तरह स्थिर है और सरकार आगे बढ़ भी रही, चाहे बात कोरोना की हो। कोरोना के जरिए ये भी बताना चाहती है सरकार की किस तरह से हम मुस्तैद है। नए जो मंत्री बने हैं उन्होंने एक मीटिंग भी ले ली और निर्देश भी जारी कर दिए कि हर पल हर जगह हमें तैयार रहना, और हिदायत भी दे दी भारतीय जनता पार्टी को कि हर जगह सियासत ना करें, थोड़ा देश का और प्रदेश का हाल भी देख लें। लेकिन उसके बाद अब फिर
एक बार देखने में आया कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, पूर्व सीएम हैं, मंत्री हैं, वो राज्यपाल से मिलने जा पहुंचे और कहने लगे कि अस्थिरता के कारण इस समय देश प्रदेश में स्थिर सरकार की आवश्यकता है। तो तरह तरह की बातें देखने में आ रही है, हर कोई अपने तरीके से अंदाजा लगा रहा है और यही आज हमारा विषय है, पल पल सियासी हलचल। लेकिन ये सुने उससे पहले, थोड़ी देर पहले जब शिवराज सिंह चौहान अपने लोगों के साथ चाहे नरोत्तम मिश्रा जी की बात कहें, भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव तमाम सारे विधायक राज्यपाल से मिले और ये कहा कि सरकार अस्थिर है और इस समय जिस तरह का हालात बने हैं उसमें स्थिर सरकार की जरूरत है। क्या कहा शिवराज सिंह चौहान ने, ये सुन लेते। श्री गोपाल भार्गव जी नेता प्रतिपक्ष, नरोत्तम मिश्रा जी मुख्य सचेतक, भूपेंद्र सिंह जी, रामपाल सिंह जी, मैंने स्वयं महामहिम राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन दिया है कि ये सरकार 22 विधायकों के इस्तीफे के कारण बहुमत खो चुकी है, अल्पमत की सरकार है ये, और इस सरकार को चलाने का कोई भी नैतिक और संवैधानिक अधिकार मुख्यमंत्री और सरकार को नहीं है, इसलिए अविलंब फ्लोर टेस्ट कराया जाए, विश्वास मत प्राप्त किया जाए। तो ये आप शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे जो कह रहे थे कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए, 22 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं और सरकार अल्पमत में है। लेकिन थोड़ी देर पहले विधानसभा अध्यक्ष ने तो एक नई बात कह दी और यहां तक इशारा कर दिया कि कुछ विधायक पर खतरे की बादल है और मुझे लग रहा है कि कार्रवाई कड़ी करना पड़ेगा और यदि ऐसा होता है तो फिर बात बड़ी हो जाएगी, फिर एक तरह से सियासत गरमाएगी। क्या कहना है विधानसभा अध्यक्ष का, ये भी सुन लेते फिर आगे बढ़ेंगे। हम देख रहे हैं कि आज रंग पंचमी है, उसके बाद भी मैंने समय निर्धारित किया अधिकारियों के साथ और हम सब ने बैठ के इंतजार किया कि जिन माननीय विधायकों को मैंने आज का समय निर्धारित किया था 7 दिन का, और उनके साथ जो कल नहीं आए थे उनका भी आज समय निर्धारित किया था, ऐसे 13 लोगों को, विधायकों को आना चाहिए। पर आप स्वयं देख रहे हैं जैसे कल देख रहे थे, मैं विधिवत नियम प्रक्रियाओं में बंध के अपना कार्य संचालित कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि भाई आइए, मैं आपकी बात सुनूं और कोई निर्णय पर पहुंचूं। ये बात जरूर है कि उसमें 2-3 कुछ गंभीर मुद्दे हैं विधायकों के, उन 2-3 विधायकों को रखूं या निकालूं मैं गंभीरता से चिंतन कर रहा हूं जो कागज मुझे प्राप्त हुए उसके आधार पर। देखिए जो सामने आएगा मैं आपको फिर अवगत कराऊंगा। रंग पंचमी में आप भी यहां पर हैं, मैं भी हैं, छुट्टी है, उसके बाद भी हम इस महत्वपूर्ण कार्य में लगे हैं। तो पल पल सियासी हलचल आप देख रहे हैं और जो इशारा कर दिया विधानसभा अध्यक्ष ने वो बहुत कुछ कह रहा है। चलिए आज यही हमारा मुद्दा है, पल पल सियासी हलचल। दो मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं, वासुदेव शर्मा जी है वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है सर। धैर्यवर्धन जी है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। वासुदेव जी, दिन भर में जो हलचल आपने देखी होगी, पल पल हलचल दिखाई दे रही है, लेकिन ताजा जो बयान सुन रहे हैं इसका आशय क्या निकाल लिया जाए और कौन है वो एक दो जिन्हें मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? ये महत्वपूर्ण बात विधानसभा अध्यक्ष जी कह गए हैं मनोज जी जी, और कल भी ऐसी चर्चाएं थी तो सही कि आए, अगर बेंगलुरु से ये लोग आते हैं तो कुछ कार्रवाइयां हो सकती हैं। और इसके साथ साथ आज रामनिवास राउत की पत्रकार वार्ता बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो पूरा खेल चल पड़ा है, कल तक बीजेपी जो है बढ़त में थी, उसको मनोवैज्ञानिक बढ़त पूरी तरीके से हासिल किए हुए थी, उनके कार्यकर्ताओं में भी उत्साह था, लोगों में भी ये संदेश देने में सफल हो गए थे कि हमारी सरकार बनी रही है। लेकिन कल के बाद जो जिसको अपने फर्जी ट्वीट कहा था मीडिया ने, फर्जी ट्वीट बताया था विधानसभा अध्यक्ष ने, वो ट्वीट था कि विधानसभा सत्र कोरोना के कारण बढ़ाया जाए, उस ट्वीट से ही कांग्रेस ने अपनी मनोवैज्ञानिक बर्थ हासिल करने का सिलसिला शुरू किया है। आप जिस उस एकमात्र ट्वीट ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यह यकीन दिला दिया था कि अब हमारी सरकार को कुछ नहीं होगा, विधानसभा
महीने दो महीने के लिए भी आगे बढ़ सकती है जी जी। और उसके बाद जो कांग्रेस ने कदम उठाए मतलब जो है कि वो कदम उनको बीजेपी के ऊपर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने के थे, जैसे कि हवाई अड्डे पर कोई ज्यादा लोग नहीं थे, मतलब आर्य पकील के लोग पहुंचे थे और पीसी शर्मा के लोग पहुंचे थे, लेकिन वो कांग्रेस मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करना चाह रही थी जो बीजेपी हासिल कर चुकी थी। आज की स्थिति में जिस तरीके से शिवराज सिंह जी और नरोत्तम मिश्रा जी राज्यपाल साहब से मिले हैं और उनके जो चिंता है वो ये बताती है कि कांग्रेस ये काम करने में सफल हो गई कि वो बीजेपी के ऊपर अपने मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर चुकी है। और राहुल वास राव ने जो संकेत दिए हैं वो आप उनको हल्के में नहीं ले सकते हैं। मतलब उन्होंने ये भी कहा पत्रकार वार्ता में कि हम इन 3-4 दिनों में ग्वालियर चंबल संभाग के हर जिले में पार्टी के संगठन की बैठकें करके आए हैं, ये बात भी उन्होंने कही है जी, जी। और वो बड़ी भव्य बैठकें हुई हैं, वो भव्य बैठकें हुई हैं। लोगों का ज्यादातर कांग्रेसियों का ये कहना था कि हम कांग्रेस के साथ रहेंगे, सिंधिया जी के साथ नहीं जाएंगे। तो अब कार्यकर्ताओं की भावनाओं के खिलाफ उस क्षेत्र के विधायक जा पाएंगे क्या? हमें नहीं लगता कि ऐसा संभव हो पाएगा, इसीलिए आज रामनिवास रावत जी ने, और इसीलिए ये भी तैयारियां है कि किसी तरह इसको लंबा खींचा जाए। और ये कहा जाता है कि जब किसी युद्ध में या किसी के साथ आपके संबंध खराब हो जाए, उसमें थोड़े दिन का गैप मिल जाए तो फिर वो संबंध अच्छे होने की तरफ भी बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि कम्युनिकेशन गैप बहुत कुछ बढ़ा देता है, लेकिन यदि कम्युनिकेशन जुड़ जाए तो फिर स्थितियां बदलने लगती है। वासुदेव जी बिल्कुल सही बात है ना, वही हुआ है, मतलब कल से यही चीज करने की कोशिश की है, मतलब दोनों तरफ से कि कैसे भी संवाद हो, और इसमें संवाद शुरू हो चुका है मनोज भाई कि आप एक चीज समझिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में जितने विधायक हैं, जितने भी कांग्रेस के भी और बीजेपी के, उनमें से ज्यादातर विधायक जो है किसी न किसी विधायक के कहीं ना कहीं संपर्क में है, कोई रिश्तेदार है, दूर का रिश्तेदार है, दोस्त है, ये सारी चीजें हैं जी जी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे संजय पाठक का नाम काफी चला था, आपने देखा वो पहले दिन शुरुआत हुई थी, संजय पाठक भाई चुपके गए, मतलब उनको सफाई देनी पड़ी थी, लेकिन वो सफाई देने वाली बात नहीं थी जी। जो छतरपुर के विधायक है नीरज दुबे, उनके रिश्तेदार है वो, नीरज दुबे पूरी डील हो गई थी, वो जो अपने मैयर के विधायक है ना त्रिपाठी, नारायण त्रिपाठी और नीरज दुबे के पिताजी तो सगे समधी है, तो अंदर अंदर बहुत बड़ा खेल चल रहा है, सारी रिश्तेदार। चलिए तो हम खेल पर हमारी नजर है और इसीलिए हमें लग भी रहा है कि हलचल हो रही है, पल पल बदल रही है हलचल। धैर्यवर्धन जी, भारतीय जनता पार्टी क्या देख रही? थोड़ी देर पहले आप राज्यपाल जी से मुलाकात करते हैं और ये कहते हैं कि सरकार अब अस्थिर है, तो वो 22 विधायकों को पेश क्यों नहीं कर देते? देखिए, वेंटिलेटर पर है सरकार और अपने प्राण बचाने के लिए डूबते को तिनके का सहारा के तर्ज पर अंतिम प्रयास कर रही है। और कांग्रेस की अपनी गुटबाजी का परिणाम है कि लोग इनसे छिटक करके चले गए। 20, 22, 24 दो दर्जन के लगभग भी वो संख्या मुझे लग रहा होती प्रतीत हो रही है, वो जितने विधायक हैं वो सारे के सारे लोग आने के लिए तैयार हैं जी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। पर जिस प्रकार की चालाकी कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही कि पहले हम उन 6 लोगों को बुलाएंगे, फिर बाकी के 7 लोगों को बुलाएंगे, फिर किसी और को बुलाएंगे, फिर अन्य लोगों का पक्ष लेंगे, ये लिंगर ऑन किया जा रहा है ताकि बिगड़े हुए मामले को कैसे भी संभाला जा सके। पर मुझे नहीं लगता कि अब कुछ हो सकता है, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। पूरे के पूरे विधायक साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हम अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ हैं, उन्होंने तय कर लिया है सरकार को पटखनी देने का, सरकार गिराने का, तो उसमें किसी प्रकार का अब विचार परिवर्तन हो पाना संभव नहीं। लेकिन धैर्यवर्धन जी, जब ऐसा सब कुछ है तो अब तो मीडिया हर जगह है, जब वो वहां पर पहुंचे, हालांकि उन्होंने एक चैनल से बात की, मैंने देखा भी उसको, पर सवाल ये है कि क्यों नहीं आप वहां नहीं जा रहे तो कम से कम मीडिया के सामने वो आके अपने 22 लोग बयान दे, ये तो बताएं कि वो है कहां, क्यों नहीं आ रहे हैं, वजह तो बताएं। अब लगातार विधानसभा अध्यक्ष वहां बैठे हैं, वो कह रहे हैं हुजूर मैं तो इंतजार कर रहा हूं, वो नहीं आ रहे, और नहीं आ रहे तो अब मैं दूसरी तरफ इशारा करा उन्होंने कि एक दो विधायकों के छोड़ूं या मार दूं, तो ये इसका जो लक्ष्य है, इसका जो आशय दिखाई दे रहा है, वो नहीं लग रहा आपको कि ये तो बड़ा मुश्किल बढ़ा देगा भारतीय जनता पार्टी? नहीं, विधानसभा अध्यक्ष भी एक तरह से थ्रेटनिंग कर रहे हैं, डरा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के किन्हीं विधायकों को भी धमकी दे रहे हैं वो, क्योंकि वो 20-22 लोग हैं, उनमें क्या आधार बनेगा? वो जब इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं
तो या तो आप उनका इस्तीफा स्वीकार करिए या फिर उनको वहाँ खेल में शामिल होने दीजिए। सामने आने में उन्हें कोई हर्ज नहीं है, पर विधानसभा अध्यक्ष ने ये क्यों नहीं कहा कि सारे के सारे लोग फला दिन मेरे सामने आकर के उपस्थित हो जाएं? वो टुकड़ों में क्यों बुलाना चाह रहे हैं? उनकी मंशा क्या है? जब सामूहिक इस्तीफा भेजा है तो सामूहिक चर्चा कर लो, भले ही वो कक्ष में आप 15-15 मिनट 10-10 मिनट के अंतर से बुला लेते, ये तो संभव था। दूसरे विधायकों का जो समूह है, जिन अपने नेता के कारण से वो विद्रोह पर उतारू हुए, कल उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़ा हो गया। ज्योतिराज सिंधिया जी के साथ काफिले पर जो हालात निर्मित हुए, कुछ लोग पथराव की आशंका भी व्यक्त कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये विधानसभा अध्यक्ष जी को उनकी सुरक्षा की चिंता भी करनी चाहिए और उनको भरोसे में भी लेना चाहिए। सरकार तो का गिरना तो तय हो चुका है, देखिए अब मुझे नहीं लग रहा कि उसमें किसी भी कीमत पर ये बच पाएंगे। अब करना, लेकिन मेरा ये मानना है कि उनको क्यों वहां रखा जा रहा है, क्यों नहीं आ रहे? यदि सुरक्षा का आप ऐसा कह रहे हैं, उन्होंने लिख के भी दिया, उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ की सुरक्षा उनको दे दी जाए, तो इतनी देरी क्यों हो रही है? और यदि देरी हो रही है तो उनको लाना तो चाहिए ना, मीडिया के सामने लाइए, यहां लाइए। और यदि ऐसा नहीं होता तो परसों तो फिर विधानसभा सत्र की शुरुआत है, लेकिन चर्चा ये भी है कि सत्र तो हो गई नहीं, क्योंकि अब तो कोरोना का असर दिखाई दे रहा है। देखिए राजनीति में जब तक निर्णय नहीं होगा शहमात का खेल जारी रहेगा जी। वो आने के लिए तैयार बैठे हैं, पर जिस प्रकार की परिस्थिति और जिस प्रकार की बातें हैं की जा रही हैं, उसके कारण से वो 20 लोगों को भी अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ रहा कि हम कब पहुंचे हैं, कौन सा समय ठीक होगा, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, कांग्रेस को बचाने के लिए अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। आप ये देखिए, कोरोना का जो भय बताया गया, मैं न्यूज वर्ल्ड के माध्यम से बहुत विनम्रता पूर्वक ये कह रहा हूँ, 2-3 दिन पहले इस सरकार को ये चिंता नहीं थी मध्य प्रदेश के करोड़ों नागरिकों के स्वास्थ्य की, अचानक अभी क्या हो गया कि स्कूल बंद कर दिए, सिनेमा घर बंद कर दिए, स्वास्थ्य मंत्री नए हैं जिनको अभी अभी चार्ज मिला है। नहीं नहीं, तो ये कदम उठाना ठीक नहीं है क्या? नहीं ठीक तो है, पर ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये पिछले 48 घंटों में ही कोरोना का शोर सरकार मचा रही है। मेरे साथ मचा रही है कि कोरोना वायरस के डर के नाम पर विधानसभा के सत्र को आगे बढ़ाया जा सके, कितना आगे बढ़ाएंगे? यही तो सह और मात का खेल है और इस खेल को बड़ी जम के खेला जा रहा है। इस वक्त ब्रजेश पांडे जुड़े हैं मेरे साथ। ब्रजेश जी, क्या कहेंगे, कब तक चलेगा ये शह और बात का खेल और क्या लग रहा है आपको? एक तरफ 22 विधायक वहां पर है, कुछ वीडियो फिर उनके जारी हो गए, उन्होंने कहा हम तो महाराज के साथ है, और विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि अब मैं तैयारी को दूसरी कर रहा हूं, तो क्या तैयारियां हैं? देखिए, संविधान ने विधानसभा अध्यक्ष को बड़े सीमित अधिकार दे रखे हैं और संविधान के तहत ही विधानसभा अध्यक्ष कार्यवाही करते हैं। हमने कर्नाटक का वो दौर देखा है, हमने अन्य राज्यों में भी ये सब चीज देखी है, जब विधानसभा अध्यक्ष ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया। और मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पंडित श्रीनिवास तिवारी के समय भी इस तरह की स्थिति आई थी, तो उन्होंने भी तभी अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया था और यहाँ तक कि वो पहले अध्यक्ष बने थे जिन्हें की मार्शल की जरूरत नहीं थी, लेकिन उस दौर में उनको मार्शल बुलाना पड़ा था। मेरा ऐसा मानना है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों सह और मात के खेत में इतना आगे निकल चुके हैं कि दोनों को वापस आना बहुत मुश्किल है। अपनी अपनी दोनों की प्रायिकताएं हैं, दोनों की राजनीतिक समीकरण है। जिस तरह से 22 विधायकों ने दावा किया कि वो महाराज के साथ खड़े हैं, उस तरह से वो 22 विधायक अगर महाराज के साथ खड़े हैं तो ये कांग्रेस के लिए मुश्किल का दौर हो सकता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता ने, कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने, विवेक तन्खा जी ने कहा कि अभी उसके बाद भी हमारे पास न्यायालय है, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, हम इस बात को वहां तक ले जाएंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये सारा का सारा अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास है। अब विधानसभा अध्यक्ष के कार्यों में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नर भी दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं, गवर्नर से माननीय विधायक जाके मिलके अपनी पीड़ा अपने अभिव्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन जब तक विधानसभा में फ्लोर टेस्ट नहीं होगा, जब तक विधानसभा अध्यक्ष बजट सत्र नहीं बुलाएंगे, जब तक विधायकों के में बहुमत प्रस्ताव पारित नहीं हो जाएगा, तब तक ये आपाधापिक स्थिति चलती रहेगी। जी जी, चलिए, मतलब आपने तैयारियां कर ली होगी, कांग्रेस ने, आपको ऐसा लग रहा है कांग्रेस ने तैयारियां कर ली है कि शह और मात के खेल में हम मात नहीं खाने वाले?
देखिए तैयारियां तो कांग्रेस ने भी किया होगा और तैयारी तो भारतीय जनता पार्टी ने भी किया होगा, दोनों ने अपने 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 पत्ते दोनों ने भी छा रखे होंगे और दोनों को इस बात का पता है जिस तरह से छह सिंधिया समर्थक मंत्रियों को हटाया गया था गवर्नर साहब से मिलकर, दोनों को इस बात का भलीभांति ढंग से पता है कि अब हमको सारा का सारा दारोमदारी प्रोटेस्ट में करना है। लेकिन उसमें दो तीन चीजें हैं, प्रोटेस्ट तब होगा जब इन विधायक आ करके सारे के सारे 22 विधायक आए और सदन के अंदर कहें कि हाँ, लेकिन वो तो विधानसभा अध्यक्ष मौका ही नहीं दे रहा है उनको, मौका ही नहीं। विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि हमने इनको कॉल किया है, हमने इनको नोटिस भेजा है, पर ये इनके लिए कल भी इंतजार किया, कल भी नहीं आई। और आप मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण चैनल न्यूज वर्ल्ड ने दिखाया, पूरे पल पल की खबरें दिखाया, आपने अपडेट दिया, इनके लिए वहां पर लोग आ गए, दोनों पार्टी के लोग गए, लेकिन कल भी उनका काफिला नहीं आया, उनके लिए चार्टर्ड प्लेन खड़े थे, कोई नहीं आया। बस शर्मा जी, ये जो कह रहे हैं कि पत्ते सभी ने बिछा रखे, और ये तो दौर ही ऐसा, समय ऐसा है कि सच में सबको पत्ते बिछाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जरा मतलब नजर हटी दुर्घटना घटी जैसा खेल है, कब कौन के साथ कौन चला जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी विधायक सैलून जाना चाहते हैं, उनको सैलून जाने तक बड़ा मुश्किल है कि बाहर नहीं निकलेंगे, आप वहीं बने रहिए। इसी तरह हम वहां बेंगलुरु की स्थितियां देख रहे हैं, जयपुर के विधायक जरूर कांग्रेस के जहां तहां दर्शन करने पहुंच रहे हैं और सब हर कोई भगवान की शरण में, उधर वो पहुंच रहे हैं, कांग्रेस को ज्यादा भगवान के पास जा रही है। आज तो आपको पता ही होगा कि बगलामुखी देवी भी पहुंच गए, और बगलामुखी का जितना मैं जानता हूं, मैंने खबर भी की है वहां पर, वो शत्रु विनाशक है, वहां पर जो हवन होता है वो इसी के लिए होता है। तो क्या भगवान की शरण में भी जाना पड़ा? और ये जो पल पल जैसा कह रहे हैं ब्रजेश जी, 22 विधायक यदि नहीं आते हैं तो क्या ये भी एक बड़ा मामला नहीं है? 22 विधायकों को क्यों नहीं बुला लेते विधानसभा अध्यक्ष एक साथ? मनोज जी, अब देखो जो कुछ भी होना है वो तो फ्लोर टेस्ट के बाद ही होना है जी, और फ्लोर टेस्ट अध्यक्ष के ऊपर निर्भर करता है। हाँ। अध्यक्ष सत्र कब बुलाते हैं और उसके बाद तय होगा। अब अध्यक्ष के सामने ये मजबूरी भी आ गई है कि उन्हें उन 22 लोगों की पेशी भी सुननी है, मतलब जिन्हें इस्तीफे दिए 19 लोगों ने, उनकी बात भी तो सुननी है ना। हाँ। अब वो बात कितने दिन में सुनेंगे, कब तक सुनेंगे, कब आएंगे वो, अभी तो आने का ही ठिकाना नहीं है। लेकिन इस समय देखिए मनोज भाई, बीजेपी से एक चूक हो गई, मतलब शुरुआत में बीजेपी ने अपने लगभग सारे पत्ते खोल लिए शुरू में जी जी। ये जो इन लोगों के जो इस्तीफे थे, इस्तीफे लेकर और वो भूपेन्द्र सिंह जी खुद दे के आए वहां पर अध्यक्ष को, अगर यही काम परसों के दिन सिंधिया जी की वो मौजूदगी में उन सिंधिया दे देते विधायकों को बुलाते और आप अध्यक्ष को पकड़ा देते भाई उसी समय, और उस समय एक पूरा परसेप्शन भी मतलब उनके पक्ष में था, पूरा उनकी पूरी बढ़त थी भाई, कोई कुछ नहीं कर पाता। और परसों अगर अध्यक्ष को जो इस्तीफे दे देते सिंधिया जी की मौजूदगी में, तो आज तस्वीर कुछ अलग होती। मतलब अध्यक्ष के भले ही असीमित अधिकार है जी, लेकिन उन अधिकारों में उस एकमात्र कदम से बहुत सारी कटौतियां हो जाती, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं रहता सुनने के लिए, और न सुनवाई बुलानी पड़ती है, उन्हें फैसला ही करना पड़ता है क्या जो भी करना है। तो ये बीजेपी से वहां चूक हो गई भाई। तो ये मसला तो, ये मसला आगे भी खींचेगा मुझे लग रहा है, अब ये 5-6 दिन का नहीं दे रहा, जैसे कोरोना का जिक्र आ गया है, तो आपको लग रहा है क्या ये बढ़ जाएगा सत्र? निश्चित रूप से। देखिए आज आपने जिक्र नहीं किया, मतलब मध्य प्रदेश पुलिस बेंगलोर पहुंची है जी, मतलब मध्य प्रदेश की पुलिस बेंगलोर पहुंची है, तो क्यों पहुंची है भाई? कुछ तो है ना, बयान लेने गई होगी। बयान लेने नहीं गई भाई, बयान लेने भी गई होगी, लेकिन कुछ न कुछ तो शिकायतें हुई है भाई उनको, ये है सरकार के पास कि हमारे विधायक भाई, विधायक तो कांग्रेस के है ना, वो अभी कांग्रेस के विधायक दूसरे राज्य में है, उनकी जान को खतरा है भाई, ये सुरक्षा देना तो मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है जी। यहाँ के डीजीपी ने वहाँ के डीजीपी से बात की होगी, गई है फोर्स, और अभी थोड़ी देर पहले डीजीपी और प्रमुख मुख्य सचिव राज्यपाल से भी मुलाकात की, निश्चित रूप से स्थिति तो अंदर तो क्या क्या चल रहा होगा बहुत सारी चीजें पता नहीं चलती है, लेकिन वहाँ पुलिस जो है जो वहाँ रिसोर्ट में रहने के लिए तो गई नहीं है, वो अपनी कार्रवाई तो करेगी ना। अब वो कार्रवाई क्या करेगी आप समझ लीजिए जी जी, जो 3 लोगों का नाम ले रहे हैं अपने अध्यक्ष जी 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 जी, निश्चित रूप से वो आज की स्थिति में क्या है वहाँ कितने पर है कि नहीं है। धैर्य बर्धन जी, चूक हो गई क्या कहीं, देरी हो गई? नहीं, मुझे लग रहा है कि जो ताकत में होता है वो दुरुपयोग करता है सत्ता का, और विधानसभा अध्यक्ष जी के पास तमाम सारे अधिकार हैं जिनकी आड़ में वो वह सब कर रहे हैं जो दृश्य हमें दिखाई पड़ रहा है जी। चूक का सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए नहीं कहा जा सकता कि ये भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कुछ किया नहीं है, जो कुछ किया कांग्रेस के विद्रोही नेता ने किया, कांग्रेस में आपस में फूट पड़ी, कांग्रेस के बड़े नेता थे जो ज्योतिराज सिंधिया जी,
वो अपने अपमान से व्यथित होकर के अपने समर्थक विधायकों को लेकर के गए। हाँ, चूंकि उनकी बीजेपी से बात हुई कि मुझे बीजेपी में आना है, ज्योतिराज सिंधिया जी को हमने पूरे गाजे बाजे के साथ मान सम्मान के साथ, तो वो तो महाराज है, आपने महाराज जैसा उनका स्वागत भी कर दिया, बीजेपी में प्रवेश कराया, तो स्वाभाविक है आप ज्योतिराज सिंधिया जी भी आज बीजेपी हैं, तो वहां आप जो भी उनकी व्यवस्था चिंता हो रही है वो बीजेपी के द्वारा हो रही लेकिन है। लेकिन जब बीजेपी के नहीं थे तब भी उनके साथ जो विधायक वापर है बीजेपी के लोग खड़े हुए थे, और उसमें अरविंद भदौरिया जी का चेहरा दिख रहा है, उमा शंकर गुप्ता दिख रहा है, उमा सुदर्शन गुप्ता दिख रहे हैं, जब भी तो खड़े थे, फिर भी आप कह रहे कि हमें कुछ नहीं लेना देना। नहीं, मैंने बताया ना कि चूंकि ज्योतिराज सिंधिया जी की भारतीय जनता पार्टी से बात हुई थी कि उनका प्रवेश तय है भाजपा में, तो उन्होंने मदद के तौर पर सहयोगी मित्र भेज दिए, कोई खास बात नहीं है जी। आज तो केवल बात इतनी सी है कि कांग्रेस भ्रम उत्पन्न करके उन विधायकों का विचार परिवर्तित करने के लिए ताना बाना बुन रही है जी। और इसलिए इसको विलंब किया जा रहा है कि जितना मामला लंबा खींचेंगे, हो सकता है 20-22 लोगों में लगभग आधे लोगों को वो विचार परिवर्तन करा पाने में सफल हो, पर जिस प्रकार से वहां उपस्थित, आप खुद मान रहे कि हो सकते हैं क्या सफल हो सकते हैं? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, ये कांग्रेस की मंशा है, पर जिस प्रकार से वहां के जो विधायक हैं वो सिंधिया जी के प्रति आस्था व्यक्त कर रहे हैं, बार बार अपने वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जैसा कि आपने उल्लेख किया एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर भी उनके उन्होंने सबने बात की है बेंगलुरु हवाई अड्डा पर आते समय, वो कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आदेश के पालन में हम शत प्रतिशत ईमानदार हैं, जहां वो कहेंगे वहां रहेंगे, हम कांग्रेस सरकार को गिरा करके मानेंगे, कांग्रेस सरकार के खिलाफ वोट करेंगे, और चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं तो हम सब लोग अब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होंगे, बीजेपी के पक्ष में होंगे और बीजेपी ज्वाइन भी करेंगे। इतनी सारी बातें साफ साफ वो बोल रहे हैं और एकजुटता अभी उन सब विधायकों में दिखाई पड़ रही है, इसलिए लेकिन ये एकजुटता खतरे में पड़ जाएगी यदि समय ऐसा बढ़ता रहा तो, ये एकजुटता ही यही चाह रही कांग्रेस, और ये यदि हो गया तो आपका सपना पूरा नहीं होगा। नहीं, कांग्रेस जो चाह रही है वो स्वाभाविक है, सरकार में जो भी होता वो ऐसे ही चाहता कि गिरती हुई सरकार के प्राण पखेरु जो उड़ जा रहे हैं उनको कैसे भी करके बचाया जाए। चलिए, मुझे लग रहा है उनको एक इंजेक्शन होता है जो प्राण जाते समय दिया जाता है, लेकिन मुझे लग रहा है उससे भी बढ़ के कुछ चल रहा है। ब्रजेश पांडे जी, ब्रजेश जी, जी ब्रजेश जी, क्या क्या देख रहे हैं आप? ये जो एक दिखाई दे रहा है सियासी हलचल बड़ी तेज है, पल पल बदल रही है, लेकिन आपकी नजरों में क्या दिखाई दे रहा है? क्या कांग्रेस यहां जिस तरह से अपनी रणनीति देरी से सही लेकिन लेकर तो आई है, पहले भी हमने देखा कि एक रणनीति उनकी सफल रही, पहला जो ऑपरेशन था वो फेल हुआ, उसके बाद सेकेंड थर्ड ऑपरेशन में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी, एक नया चेहरा, ऐसा चेहरा जो चार्मिंग लीडर है ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ने में कामयाब हो गए, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अब कांग्रेस इसमें दिक्कत में डालेगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए मनोज जी, दरअसल राजनीति जो होती है वो बहुत सारी संभावनाओं और असंभावनाओं की प्रायिकता होती है, उसमें नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज होती है, कुछ भी संभव होता है, कुछ भी असंभव होता है जी। मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस ने अभी अपने वो पत्ते नहीं खोले हैं और संभवतः भारतीय जनता पार्टी से कुछ चूके हो गई, जो भी आपने भी बात किया और एक अच्छे वक्ता वहाँ बोल रहे थे जी। जिस चूक को उन्होंने पहले सारे पत्ते खोल दिया, कांग्रेस के पास समय मिल गया। कांग्रेस को सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विधानसभा अध्यक्ष का उनको बहुत बड़ा सपोर्ट, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस को पता है कि इस खेल को काउंट डाउन करना होगा, तो काउंट डाउन करने के लिए हम किस तरह से इसको खत्म करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह, जिसके हाथ में सत्ता होती है वो अंतिम समय पे मध्यावधि चुनाव की घोषणा भी कर सकता है, जब वो देखेगा कि उसके सारे पत्ते झर चुके हैं और वो किसी तरह कारगर नहीं हुए हैं, वो भी कर सकता है। जिस तरह से इमरती देवी के बयान आए थे कि वो अगर सिंधिया जी कहेंगे तो मैं कोई भी कूदने को तैयार हूँ, और अगर मध्य प्रदेश की पुलिस वहां पर गई है बेंगलोर, जो की गई है, आपके महत्वपूर्ण चैनल ने भी दिखाया है जी। वो निश्चित रूप से आईपीसी की धाराओं के तहत जो भी यहाँ पे कार्रवाई होगी वो करने के लिए गई है, वो वहां पर पूजा पाठ करने तो गई नहीं। तो इस समय जितनी भी संभावनाएं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, दोनों ही ओर से संभावनाएं तलाशी जाएंगी और दोनों ही दल, महत्वपूर्ण दल के लोग ये कोशिश करेंगे, एक चाहेगा कि कांग्रेस की सरकार बचे, एक चाहेगा कि कांग्रेस की सरकार गिरे। लेकिन जो परसेप्शन बन रहा है
वो ये बन रहा है आम जनता के बीच में कि कांग्रेस को अभी सिर्फ 1.25 साल मिले हैं, और इस 1.25 साल के अंदर कांग्रेस को पूरे 5 साल मिलना चाहिए था चुनी हुई सरकार को गिराना, प्रजातांत्रिक मूल्यों के साथ आत्माघात, इसलिए जनता के बीच जो राय। लेकिन यहाँ तो देरी कांग्रेस ने भी थोड़ी बहुत की होगी, अंतर कलह के कारण भी ये सब हुआ। निश्चित रूप से किया है देरी, मैंने वही कहा देरी कांग्रेस ने भी किया, मैंने आपसे यही कहा कि देरी कांग्रेस ने भी किया और देरी कुछ भाजपा से हुई। और जो बात ये है कि सिंधिया जी आकर के विधायकों के इस्तीफे यहाँ पर गवर्नर को देते या विधानसभा अध्यक्ष को, ये संभव ही नहीं था, क्योंकि उन विधायकों ने पहले ही अपने मेल से इस्तीफे भेज दिए थे मेल के माध्यम से। लेकिन जो रूल्स कहता है, जो लीगल एक्सपेक्टेशन कहता है, वो असेंबली का सीधे कहता है कि जब तक लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर आकर के आप इसको नहीं देंगे तब तक ये एक्सेप्टेबल हो नहीं हो सकता है। और इसी बात को वासुदेव शर्मा जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे ले रहा हूँ, इसी बात को मुझे लग रहा है कांग्रेस ने समझ लिया कि इस रूल के तहत ही विधानसभा अध्यक्ष आगे बढ़ रहे हैं, और इस सह और बात के खेल में अभी मात खाती भारतीय जनता पार्टी दे रही है। ये बात अलग है कि क्या होगा, आपसे पूछ मेरे से ना। जी जी नहीं तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण में अपने आप को बहुत संभल के चलने की कोशिश की। आपको था जैसे जो चैनलों पर प्रवक्ताओं का भेजना बंद करने का फैसला है ना, इसको आप भी समझिए, उन्होंने ये फैसला क्यों किया, जबकि ये फैसला कायदे से बीजेपी को करना चाहिए था। ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, वो निबटते रहे, हम इस मुद्दे पे क्यों चर्चा करें जी। हैं कांग्रेस और सिंधिया के लोग आए चैनलों पे अपनी बात करें, लेकिन बीजेपी यहाँ भी गच्चा खा गई। वो अपने प्रवक्ताएं भेज रही है, वो सिंधिया जी का के पक्ष में बोल रही है, उधर कांग्रेस ने अपने प्रवक्ताओं को विड्रॉ कर लिया। वो पहले दिन कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कुछ अति की थी, कुछ आगे बढ़ बढ़ के बोले थे। एक प्रवक्ता तो 3 चैनलों पर दिखा, तीनों बार अलग अलग ड्रेस पहन के आया, ये उनके कांग्रेस के नेताओं ने भाप लिया, बोले कि इनको घर बिठाओ, अभी तो बिठा लिया, विड्रॉ कर लिया, वो शांत हो गए, खामोश हो गए। अब बीजेपी आ गई, अब लोगों में तो ये संदेश चला गया ना कि बीजेपी और बीजेपी ने कहीं ये खरीद फरोख्त की है, जो दिग्विजय सिंह ने कहा था कि हमारे हाउस ट्रेडिंग हो रही है, खरीद फरोख्त हो रही है, बीजेपी ने उसको भी मोहर लगा दी जी, जी। कायदे से तो इन चैनलों पे इस समय बीजेपी को साइलेंट रहना चाहिए था, कांग्रेस का मामला है निपटने दो जी। तो चूक हुई है शुरू, और कांग्रेस से भी थोड़ा चूक हुई, लेकिन बीजेपी से अति उत्साह में, उन्होंने जो राजनीति को सनसनीखेज बनाने की कोशिशों में कुछ ऐसे कदम उठा दिए जो अब उनके ही गले पड़ गए, इसलिए आज ये राज्यपाल जी के यहाँ इनको जाना पड़ा, कल फिर जाएंगे, देखना तुम अब ये यहाँ से कैसे निकलेंगे, निकलना मुश्किल है। सही कह रहे हैं, पलायनवादी प्रवृत्ति क्या ठीक है, कांग्रेस जिस ढंग से बार बार पलायन करती है, कांग्रेस के प्रवक्ता चाहे जब गायब हो जाते हैं, दो दो महीने की छुट्टी पर चले जाते हैं, सामने फेस करो ना आप जो कर रहे हो। अगर आपने अपनी सरकार को गिराने का भूल चूक हुई है, या अपना आशियाना खुद आपके दिए से जला है, आपके षड्यंत्र के कारण से ये सब हुआ है, तो उस पर भी आपको फेस करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो चैनल पर इसलिए फेस कर रहे हैं इस घटनाक्रम का, क्योंकि 72 घंटे पहले तक ज्योतिराज सिंधिया कांग्रेस के नेता थे, आज वो बीजेपी के नेता है, बीजेपी के व्यक्ति है, तो अब जो कुछ घटित होगा स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस पर बात करेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे साथ। और एक लाइन और बोल रहा हूँ, संसदीय मामलों की समझ रखने वाले लोग, विधिक मामलों के जानकार दोनों पार्टियों में है, भारतीय जनता पार्टी की भी पैनी नजर है, जो भी कदम उचित होगा वो उठाने के लिए वो लोग तत्पर। इसीलिए आप महाधिवक्ता कौरव ने आज पूर्व जो महाधिवक्ता कौरव की भी मुलाकात हुई है शिवराज सिंह चौहान और बाकी लोगों के साथ, राज्यपाल जी से जब वो साथ गए तो वो भी गए थे, और यही बता रहा है कि अब खेल कानूनी पेचीदगी में भी फंसेगा, और मुझे लग रहा है कोर्ट भी जाने की तैयारी होगी दोनों ही दलों की, ये देखना पड़ेगा। पर आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े, धैर्यवर्धन जी, वासुदेव शर्मा जी, और साथ ही ब्रजेश पांडे जी भी मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में पल पल बदलती सियासत हलचल मचा रही है, और हर हलचल पर न्यूज वर्ल्ड की निगाह भी है, पर सवाल यही है कि आगे चलकर होगा क्या, क्योंकि सह और मात के खेल में कोई मात नहीं खाना चाहता है। बीजेपी इस तैयारी में है कि तमाम सारे विधायकों की परेड करा दी जाए राज्यपाल या विधानसभा अध्यक्ष के सामने, लेकिन कांग्रेस ये चाहती है कि आप आइए हमसे बात करिए, मध्य प्रदेश आएंगे तो हम ही बैठे, यहाँ बात तो हमसे करना पड़ेगा, पर क्या होगा इस पर निगाह बनी रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।